कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट 194N के बारे में, जहां पर आपको 20% TDS डिटेक्ट किया जाता है अगर आप 20 लाख या फिर 1 करोड़ से ऊपर पैसा निकालते हैं। तो अगर आप एक AEPS संचालक हैं, AEPS सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर तक, तो आप वो वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो में आइए तो आपको समझ में आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 194N ये वाला वीडियो ऊपर आप आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को आप देखिए। जैसा कि हमने आपको वो वाला वीडियो में बताया था कि ये 20% TDS डिटक्शन का एक सॉल्यूशन हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 194N TDS डिडक्शन ऑन कैश विड्रॉल, इससे आप कैसे बच सकते हैं। पूरा डिटेल्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही आसानी सा एक प्रोसेस बताऊंगा जहां पर से आप ये TDS से बच सकते हैं, 194N TDS से, 20% TDS डिडक्शन से आप बच सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोगों के साथ आप बने रहें, साथ ही जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मान लीजिए आप कोई कंपनी का AEPS यूज करते हैं, पूरे दिन में 10,000 रुपीस विड्रॉल करते हैं, तो वो पैसा को आपको मूव टू बैंक करना होता है, जिसमें आपको TDS देना होगा अगर 20 लाख से ऊपर जाता है तो। बट मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जहां पर आपको मूव टू बैंक करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल आपको मूव टू बैंक करने की जरूरत ही नहीं है और आप अपना AEPS बिजनेस बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। AEPS में जो है 20% डिडक्शन का डर भी आपको नहीं रहेगा। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को ये मिला कि आप अगर एक इजी पे का आईडी चलाते हैं या फिर अगर नहीं भी चलाते हैं तो आप एक इजी पे का रिटेलर आईडी ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसमें आप जो है ये 20% TDS से बच सकते हैं। अब मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा, फुल बताऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, इजी पे में एक सर्विस होता है जिसको कहा जाता है इजी खाता सर्विस। अब ये इजी खाता सर्विस एक डिजिटल करंट अकाउंट है जो इजी पे प्रोवाइड करता है। इसमें आपको एक 18 डिजिट का अकाउंट नंबर दिया जाता है, IFSC कोड दिया जाता है, UPI आईडी दिया जाता है, UPI QR कोड दिया जाता है जो कि इजी पे आईडी के साथ लिंक्ड रहता है। आप चाहे तो UPI QR कोड से भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक है कि आप इनकम टैक्स 20% से कैसे बच सकते हैं, TDS से कैसे बच सकते हैं इजी खाता में। तो मान लीजिए कोई भी कंपनी का AEPS यूज करते हैं, उसमें आपको मूव टू बैंक करना होता है, तब जाकर के आप कैश निकाल सकते हैं। बट इजी पे में ऐसा नहीं है, आप मूव टू बैंक करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे तो अपने वॉलेट बैलेंस को, जितना भी पैसा आप कस्टमर का निकालेंगे AEPS से, आधार कार्ड से, वो आपके इजी पे वॉलेट में आएगा। अब इजी पे वॉलेट से मूव टू बैंक आपको नहीं करना है, आप इजी पे वॉलेट से जो इजी खाता अकाउंट आपने खोला है इजी पे में, उसमें आप मूव कर सकते हैं। मतलब इजी पे वॉलेट बैलेंस को इजी पे का इजी खाता में मूव कर सकते हैं। जैसे ही वो बैलेंस आपके वॉलेट से कट करके इजी खाता में आ जाता है, तो आपके पास एक फिजिकल ATM दिया जाता है। जब भी आप जो है इजी खाता के लिए अप्लाई करते हैं, ये सर्विस को एक्टिव करते हैं, तो आपको एक फिजिकल ATM भी दिया जाता है। उस ATM कार्ड से आप किसी भी ATM मशीन से कैश निकाल सकते हैं। अब ये ATM आपको बहुत जल्द इजी पे में देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्द फिजिकल ATM भी आपको दिए जाएंगे, जहां पर से जितना भी आप पैसा निकालेंगे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में मूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इजी पे वॉलेट बैलेंस को इजी खाता ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इजी खाता में मूव कर सकते हैं, और जो ATM आपको दिए जाएंगे फिजिकल ATM, उस ATM से आप किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं। इसका ट्रांजेक्शन लिमिट एक दिन में 1 लाख रहेगा। साथ ही येस बैंक का ATM में आप 5 ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। अगर कोई अदर्स बैंक का ATM में जाते हैं तो जैसा नॉर्मल एक बैंक अकाउंट चार्ज लेता है 20 रुपीस, वैसे ही आपको चार्ज पे करने होंगे। अब आप बताएंगे कि ये भी तो एक करंट अकाउंट है, ये भी तो TDS के अंडर में आएगा। तो ये TDS के अंडर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बैंक में जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है वो कंपनी का है, वो इजी पे कंपनी का लगा हुआ है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लगा हुआ नहीं है।
यहाँ पर बैंक और कस्टमर मतलब रिटेलर, बैंक और रिटेलर के बीच में इजी पे एक थर्ड पार्टी है, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो आप तक इजी खाता सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 20% TDS डिटेक्ट नहीं होगा। आपका जो वॉलेट बैलेंस रहेगा इजी पे में, जो आप AEPS से निकालेंगे, वो पैसा को आप इजी पे का इजी खाता में मूव करेंगे और उस इजी खाता का बैलेंस को आप फिजिकल ATM से निकाल भी सकते हैं पैसा को, या फिर उस पैसा को आप कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजी पे में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर इजी पे का रिटेलर आईडी लेते हैं हम लोगों के पास से, तो हम लोग ही आपका इजी खाता सर्विस को एक्टिव करके देंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से हम लोगों के पास से इजी पे का आईडी लें, हम लोग आपका इजी खाता सर्विस को एक्टिव कर देंगे बहुत ही आसानी से, और आप बिजनेस कर सकते हैं। जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 194N के अकॉर्डिंग इसमें आपको 20% TDS देना होता है, बट अगर आप इजी पे को यूज़ करते हैं, इजी पे का इजी खाता सर्विस को यूज़ करते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आपको TDS देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक में जितना भी डॉक्यूमेंट लगा हुआ है ये कंपनी का लगा हुआ है। कंपनी एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो आप तक इजी खाता सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, और हम जो है आपका इजी खाता सर्विस को एक्टिव कर देंगे बहुत ही आसानी से। तो आप अपना बिजनेस बिल्कुल निश्चिंत से कर सकते हैं। इजी पे का रिटेलर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों के पास से लेकर के आप 194N इससे बच सकते हैं, क्योंकि ये आप वॉलेट बैलेंस को अपने इजी खाता में मूव करेंगे तो इसमें आपको कोई भी ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सर्विस इजी पे प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको इजी पे का रिटेलर आईडी लेना है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हम लोग आपको इजी पे का रिटेलर आईडी दे देंगे। ये इजी पे बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, AEPS खासकर बहुत ही अच्छा चलता है, आप एक बार यूज करके देख सकते हैं। ये 194N से भी आप बच सकते हैं। अगर आप कोई अदर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं, तो आप इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए और रिटेलर को दीजिए, और इजी खाता भी उनका आप एक्टिव कर सकते हैं, ताकि वो भी ये TDS से बच सकते हैं और आपका बिजनेस भी बहुत ही अच्छा होगा इजी पे के साथ जुड़ करके। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 194N से आप कैसे बच सकते हैं, इजी पे का रिटेलर आईडी लेके इजी खाता सर्विस को एक्टिव कर देंगे हम लोग, बस उसमें आप मूव करेंगे और इजी खाता से आप पैसा निकाल सकते हैं। बहुत जल्द फिजिकल ATM भी आपको दिए जाएंगे इजी पे के तरफ से। मार्केट में पहला ऐसा कंपनी है जो आपको फिजिकल ATM भी देगा बहुत जल्द। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो अपने तरफ से एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके फ्रेंड सर्कल में जितने सारे लोग AEPS बिजनेस करते हैं, एक शॉप चलाते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी 194N TDS डिडक्शन से बच जाए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोगों के साथ आप बने रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बिजनेस अच्छे से करते रहें।